अर्जुन का पेड़ अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। पुराने समय से ही इसकी छाल का चूर्ण, काढ़ा और अरिष्ट कई बीमारियों को दूर करने में उपयोगी है। खासकर उच्च रक्तचाप और हृदय रोग को दूर करने में यह विशेष उपयोगी है। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो को आप सल्टिया बीबीसी कोटाबाग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सुभाष भारद्वाज। मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली नई नई वीडियोज़ के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएँ। तो चलिए मित्रों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अर्जुन का वृक्ष एक सदाबहार वृक्ष है। इस वृक्ष की अंदरूनी छाल में सबसे अधिक औषधि गुण पाए जाते हैं। इसे हृदय के लिए शक्तिवर्धक के रूप में जाना जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक भी संपूर्ण सेहत में सुधार के लिए अर्जुन की छाल की सलाह देते हैं। अर्जुन की पत्तियां आयताकार होती हैं। इसके सफ़ेद रंग के फूल मई से जुलाई के महीने में खिलते हैं। अर्जुन का ताज़ा फल हरे रंग का होता है और पकने पर इसका रंग भूरा पड़ने लगता है। अर्जुन की छाल के फायदे इस प्रकार हैं। हृदय रोगों के लिए फायदेमंद है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल का पाउडर मधुमेह के लिए लाभदायक होता है। अर्जुन की छाल का प्रयोग खांसी में राहत दिलाता है। अर्जुन की छाल के गुण मोटापे से छुटकारा दिलाते हैं। अर्जुन की छाल मुंह के छालों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अर्जुन की छाल की चाय उच्च रक्तचाप को कम करती है। अर्जुन की छाल का काढ़ा पेशाब संबंधी परेशानियों को दूर करता है। अर्जुन की छाल सूजन को ठीक करने वाली होती है। त्वचा के लिए लाभकारी है अर्जुन की छाल और बालों के लिए उपयोगी है अर्जुन की छाल। तो मित्रों, यह थी हमारे YouTube चैनल सल्टिया बीबीसी कोटाबाग में अर्जुन की छाल के फायदे, इस टॉपिक पर एक महत्वपूर्ण वीडियो। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खूब शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, इस वीडियो में आपके साथ मैं था सुभाष भारद्वाज। जल्दी ही एक नए टॉपिक पर नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।